ओम साईराम सभी के लिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया दोस्तों हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। बाबा अपने सभी भक्तों से आज के संदेश में कह रहे हैं, मेरे बच्चों, जिंदगी में हर एक फैसला लेना इतना आसान नहीं होता। बहुत सोच समझकर फैसला लेना पड़ता है इस ज़िंदगी में। हमारी ज़िंदगी फैसले के ऊपर ही निर्भर रहती है मेरे बच्चों। अगर हम थोड़ा सा गलत फैसला ले लेते हैं तो हमारी ज़िंदगी सारी ही दाव पर लग जाती है। हम एक कोई भी फैसला ले लेते हैं तो अगर हम एक कोई भी छोटा सा या बड़ा सा कोई भी फैसला एक सही ले लेते हैं तो हमारी ज़िंदगी पूरी ही जन्नत बन जाती है। अगर वो फैसला तुम मेरी भक्ति का लेते हो मेरे बच्चों तो तुम्हारी ज़िंदगी वास्तव में जन्नत बन जाती है। और वो फैसला तुम किसी गलत कार्य के लिए लेते हो तो वहीं तुम्हारी ज़िंदगी नरक बन जाती है मेरे बच्चों। फैसले भी हर एक इंसान लेता है लेकिन हर एक इंसान में फैसले लेने की समझ सोच नहीं होती। इंसान सही फैसला वही ले सकता है जो एक सही राह पर, एक सच्ची राह पर, एक धर्म की राह पर चल रहा होता है। आज तुम एक धर्म की राह पर चल रहे हो मेरे बच्चों, मैं जानता हूँ। कुछ मेरे बच्चे ऐसे भी हैं जो अधर्म की राह पर चल रहे हैं। कुछ उनमें मेरी भक्ति कर रहे हैं और कुछ मेरी भक्ति नहीं कर रहे हैं। कुछ तो मेरी भक्ति नहीं कर रहे हैं, वो गलत कार्य कर ही रहे हैं। और कुछ मेरी जो भक्ति कर रहे हैं और वो भी गलत कार्य कर रहे हैं, तो मुझे अफसोस होता है ऐसे बच्चों पर कि मैं तुम्हें एक सही राह दिखाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अपनी भक्ति के करीब तक लेके आया मेरे बच्चों, और यहीं आकर तुमने मेरी भक्ति भी की और गलत कार्य को भी नहीं त्यागा, दूसरे को दुख देने से भी नहीं बचे और मुझे भी नहीं छोड़ा। तुमने दूसरे सामने वाले इंसान को तो दुख दिया ही, उसे कष्टों में डालकर दुख दिया, लेकिन सामने वाले इंसान को दुख देकर तुमने मेरे बच्चों मुझे भी दुख पहुंचाया। ऐसी भक्ति मेरी करने से तुम्हें क्या लाभ होगा जब तुम दूसरे के हमदर्द नहीं बन सकते। तुम जिसको अपना भगवान मानते हो, जिसको अपना गुरु मानते हो, तुम उसी के साथ धोखा कर रहे हो तो क्या इंसान को तुम छोड़ दोगे? तुम कभी नहीं उस इंसान को छोड़ोगे जिसने तुम्हारे साथ सही किया हो या गलत। तुम अवश्य ही उसके साथ गलत करोगे, मैं जानता हूँ, क्योंकि जिस ईश्वर की, जिस ईष्ट देव की तुम आज भक्ति कर रहे हो इतनी श्रद्धा भाव और लगन से, तुम उसके साथ भी नहीं चूके मेरे बच्चों उसे धोखा देने के लिए। तुम क्यों बार बार भूल जाते हो कि शिरडी वाला साईं कोई मामूली और कोई इंसान नहीं है वो। मैं साक्षात्कार भगवान हूं, मैं साक्षात्कार शिव का रूप हूं मेरे बच्चों। तुम मेरी नजरों से कहीं भी रहो, कहीं भी नहीं बच पाओगे। तुम कोई भी कार्य करो, मैं हर कार्य को तुम्हारे देख रहा हूं। तुम एक सही दिशा में कार्य करोगे तो मैं अवश्य ही तुम्हें आशीर्वाद दूंगा अपना। मेरा आशीर्वाद मेरे बच्चों कभी खाली नहीं जाता है। आज नहीं तो कर वो तुम्हारी जिंदगी का, वो तुम्हारी जिंदगी का एक उजाला बन जाएगा मेरा आशीर्वाद। इसलिए मेरे बच्चों, ना मुझे धोखा दो, ना सामने वाले को धोखा दो, मैं अवश्य ही तुम्हें आशीर्वाद हर पल दूंगा। तुम मेरी भक्ति करो, कितने भी समय करो, परंतु किसी को दुख मत दो। कोशिश करो सामने वाले को तुमसे कभी हो तो सिर्फ लाभ हो। जो कहे हाँ, किसी से कहे भी कि हाँ वो साईं का भक्त है और उसने मेरा साथ दिया है, वो वास्तविकता में एक अच्छा इंसान है। मेरे बच्चों, जब तुम्हारी तारीफ होगी तो मुझे बहुत खुशी होगी वो सुनकर। मैं यही चाहता हूँ, यही उम्मीद रखता हूँ तुमसे, और यही तुम्हें मैं बनाना चाहता हूँ। इसलिए मेरे बच्चों, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे दोनों हाथ तुम्हारे सर पर हैं। तुम कार्य करो, एक बार मेरा नाम अवश्य लो कार्य करने से पहले। उस कार्य को मुझे बताओ और मुझसे प्रार्थना करो मेरे बच्चों,
आपकी वो कार्य सफल करें बाबा आप। मैं अवश्य ही उस कार्य में आपको सफलता दिलाऊंगा मेरे बच्चों, उस कार्य में कोई भी विघ्न नहीं आने दूंगा। एक बार तुम कोई कार्य शुरू तो करो मेरे बच्चों, मैं तुम्हें इस हद तक लेके आया हूं कि जहां तुम कुछ नहीं कर सकते थे वहां आज सब कुछ करने लगे हो तुम मेरे बच्चों। मैं तुम्हें इस हद तक लेके आया हूं और तुम कर भी रहे हो। बस मैं एक उम्मीद रखता हूं तुमसे मेरे बच्चों, जिस भी कार्य को करो मेरे बच्चों, एक श्रद्धा भाव और लगन के साथ करो, मुझसे प्रार्थना कर करो, मेरा नाम लेकर करो, मैं अवश्य ही तुम्हें उसमें सफलता दूंगा मेरे बच्चों। मैं उस कार्य हेतु तुम्हें निराश नहीं करूंगा। तुम एक बार मुझ पर विश्वास तो रखो, मेरी शरण आओ तुम और वहां रहकर तुम हर कार्य करो। मैं तुम्हें एक सही दिशा भी दिखाऊंगा, तुम्हें एक सही मार्गदर्शन भी कराऊंगा मैं मेरे बच्चों। परंतु जो कार्य तुम करने जा रहे हो ना, वो कार्य सत्कर्म वाला होना चाहिए। उस कार्य से किसी का दिल ना दुखे मेरे बच्चों, इतना याद रखना, उस कार्य से कभी किसी का दिल ना दुखे और वो कार्य किसी के हानि हेतु नहीं होना चाहिए। वो कार्य तुम मेरे से प्रार्थना करके कर रहे हो, मेरा नाम लेकर कर रहे हो, परंतु उस कार्य का मकसद तुम्हारा यही हो कि सामने वाले को हानि हो, नुकसान हो। उस कार्य में मैं तुम्हें अवश्य ही सफलता दिलाऊंगा, ये भी सच है मेरे बच्चों, परंतु तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करूंगा जैसा आज तुम उसके साथ कर रहे हो। मैं तुम्हें आज सफलता इस कार्य में दिला दूंगा, परंतु जब तुम्हारे दिल और दिमाग से ये बात निकल जाएगी, तभी मैं तुम्हारे पास एक ऐसे इंसान को भेजूंगा, एक ऐसे मनुष्य को भेजूंगा, जो तुमने उसके साथ किया है वही हाल वो तुम्हारे साथ करने आ रहा है। सेम वही हाल करेगा, ना उससे कम दुख देगा तुम्हें, ना दुख ज्यादा देगा, सिर्फ उतना ही दुख देगा मेरे बच्चों जितना तुमने उसको दिया था। इसलिए मेरे बच्चों, किसी को हानि मत पहुंचाओ, हो सके तो सामने वाले को एक दूसरे से लगाव रखो, प्यार करो, अच्छी बात है, एक दूसरे को लाभ पहुंचाने की कोशिश करो। हर पल इसी सोच में मत डूबे रहो मेरे बच्चों कि मेरा भला कैसे हो, मेरा आज ये कार्य कैसे सफल हो, आज मैं इतनी धन दौलत कैसे कमाऊं, आज मैं किसका माल हड़पूं, आज मैं किसको नीचे गिराऊं, आज ये मुझसे ऊंचा कैसे उठ गया और अब इसको मैं कैसे अपने आप से नीचे गिराऊं, इस सोच में मत डूबे रहो मेरे बच्चों। मैं तुमसे कहता हूं, पहले तो सोचना ही बंद कर दो, जो भी होता है मेरी मर्जी से ही होता है। और हाँ, इसके बावजूद भी अगर तुम सोचते हो मेरे बच्चों, तो सिर्फ इतना सोचो कि ऐसी भक्ति करूं मैं अपने ईश्वर की, अपने इष्ट देव की, जो इस संसार का भला हो, इस संसार का उद्धार हो जाए, हर एक प्राणी तर जाए इस संसार का। मैं आज ऐसी भक्ति करूं जो मेरी भक्ति किसी की मदद बन सके, मैं अपनी भक्ति के माध्यम से किसी की मदद कर सकूं, किसी का भला कर सकूं, किसी के जगत में जय जयकार कर सकूं, मैं किसी को ऊंचाइयों तक उठा सकूं तो किसी को ऊंचाइयों तक ले जा सकूं, ऐसी सोच रखूं मेरे बच्चों कि कब और किस पल कब किसका भला करूं मैं, यही सोचूं मेरे बच्चों की मेरे हाथों से, मेरे तन मन धन से, मेरे इस पापी शरीर से, मेरे इस नाशवान शरीर से कभी किसी का बुरा ना हो, कभी किसी को थोड़ी सी भी तिल मात्र भी हानि ना हो जाए मेरे शरीर से, इतनी ही ईश्वर से, अपने इष्ट देव से हर रोज प्रार्थना करो।
वो अवश्य ही तुम्हारी प्रार्थना को सुनेंगे। मेरे बच्चों, मैं अवश्य ही तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा। तुम मेरे सामने आके, मेरे किसी भी स्वरूप में आके मुझसे कहो, हे बालिक, हे साईनाथ या हे शिव शंकर, मेरी आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है। मेरे भगवान, मेरे तन मन धन, मेरे इस नाशवान शरीर से कभी किसी का तिल मात्र भी बुरा ना हो, और अगर हो भी जाए मेरे मालिक, तो मुझे माफ करना, और मेरे से ज्यादा तो उसका भला कर देना। मेरी भी सारी खुशियां तुम उसके नाम कर देना मेरे मालिक। उसकी हर एक गली, हर एक गांव में उसके नाम की जय जयकार कर देना मेरे मालिक। मुझे उस पथ पर चलाए रखना मेरे नाथ, कि कभी मुझसे किसी का बुरा ना हो, कभी मेरे हाथों से किसी को कष्ट ना पहुंचे, कभी कोई मेरे लिए बद्दुआ देने के लिए मजबूर ना हो मेरे मालिक। यही अपने ईश्वर से प्रार्थना करना, तुम अवश्य ही वो सुनेंगे तुम्हारी प्रार्थना। मैं अवश्य ही सुनूंगा तुम्हारी प्रार्थना, क्योंकि मैं तुम्हारे भी अंदर बास करता हूँ मेरे बच्चों। मैं तुम्हारे ही अंदर बास करता हूँ मेरे बच्चों। तुमसे ना दूर हूँ मैं, ना हो पाऊंगा तुमसे कभी दूर। बस कभी तुम किसी का बुरा मत करो, तुम्हारा अवश्य ही बुरा होगा। जो भक्त मेरी भक्ति करते करते एक दूसरे का बुरा करते हैं, जब वो मेरी भक्ति भी करते हैं और सामने वाले का बुरा भी करते हैं, अपने मन में एक छल कपट की नियत रखते हैं और अपनी नियत को कभी वो सावधान नहीं रखते, मुझे ऐसे बच्चों पर बहुत दुख होता है मेरे बच्चों। मैं तड़प उठता हूं जब वो ऐसा कार्य कोई करते हैं, और मुझे अपनी भक्ति पर भी शक होता है मेरे बच्चों के, मैंने किसको अपनी भक्ति दे दी है। मैंने तो इसे एक सतमार्ग दिखाया था, लेकिन मैंने तो इसे अपने आप से प्यार करना करवाना चाहा था, लेकिन ये तो धन दौलत से प्यार कर चुका है। ये पैसे पे ही अपने आप को लुटा चुका है और पैसे पर ही खुद को मार चुका है ये। फिर मैं सोचता हूं, मेरे बच्चों, ये इसी कार्य में राजी है, तो क्यों ना मैं आज ही इससे अपनी भक्ति ले लूं और इसे इसी ही राह पर चला दूं। और फिर मैं ऐसा करता भी हूं मेरे बच्चों। मैं उस भक्त से अपनी भक्ति वापस ले लेता हूं, एक साथ तो नहीं लेता, परंतु धीरे 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 अवश्य ही उससे अपनी भक्ति ले लेता हूं मैं, और उसे एक गंदगी भरे दलदल की ओर धकेलता रहता हूं। फिर मैं उससे बार बार यही कहता हूं, तेरी खुशी इसी में है ना, तो तू इसी में खुश रहे, मेरा तो काम ही यही है मेरे बच्चे, हर एक को खुश रखना। अब बाकी सब कुछ तेरे कर्मों पर निर्भर करेगा, तेरे संस्कार पर निर्भर करेगा कि अब तू अपना नसीब कैसा बनाएगा। एक दलदल में रहकर नसीब बनाना चाहता है तो गंदगी भरे, या फिर मेरी शरण में रहकर अपना नसीब बनाना चाहता है। इच्छा तेरी होगी, परंतु मर्जी मेरी ही होगी मेरे बच्चे, मर्जी मैं ही अपनी चलाऊंगा। तुम कितनी भी भक्ति क्यों ना करो मेरी, या ना करो या करो, परंतु ये सच है मेरे बच्चों, मर्जी तो मेरी ही चलेगी मेरे बच्चों। जो भक्त आज मेरी भक्ति करते हैं और जो नहीं करते, आज मुझसे कुछ भक्त पूछते हैं, बाबा हम आपकी इतनी भक्ति करते हैं, हमारे जीवन में उतनी ही परेशानियां क्यों बढ़ती जा रही हैं, हम हर पल आपको भजते रहते हैं हे साईनाथ, हर पल आपके नाम का सुमिरन करते हैं मेरे मालिक, हर पल आपके नाम का मन ही मन जप करते हैं हम, और परेशानियां हैं कि हमें छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। उन और ऐसे भक्तों को मैं बताना चाहता हूँ मेरे बच्चों, कि जो अग्नि परीक्षाएं देने लायक होता है, जो एक पहाड़ को तोड़ने तक का हौसला रखता है ना, मैं उसी से अग्नि परीक्षाएं लेता हूँ, उसी से पहाड़
जैसी परीक्षाएं लेता हूं मैं, उसी को हर पर परेशानियों में डाले रखता हूं मैं मेरे बच्चों। वो पहले से तो इतना मजबूत है ही, मुझे पता है, मैं उसे और भी मजबूत बनाना चाहता हूं मेरे बच्चों परेशानियों में डाल के। ऐसा तो नहीं मेरे बच्चों की परेशानियां तो मैं मेरे होते हुए तुम्हारा बाल भी बांका कर देगी, ऐसा नहीं है मेरे बच्चों। वो परेशानी तुम्हारा तनिक भी क्षण भर के लिए भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती मेरे बच्चों। ये आज के लिए ही नहीं, युग युग के लिए मैं बात बता रहा हूँ, हर युग के लिए मैं बोल रहा हूँ मेरे बच्चों आपसे, परेशानी आपका किसी भी युग में कुछ नहीं बिगाड़ सकती मेरे होते हुए। जितनी मैं उन्हें इजाज़त देता हूँ मेरे बच्चों, वो इतना ही तुम्हें सताती हैं, सिर्फ तुम्हें सताती हैं, वो कुछ और नहीं कर पाती। जैसे ही वो परेशानियां हटती हैं, उन परेशानियों को मैं हटाता हूं तुम्हारे सर से, तुम फिर वैसे ही हो जाते हो ना, तुम फिर पहले की तरह हो जाते हो मेरे बच्चों। सिर्फ वो परेशानियां तो मैंने तुम्हें एक कठोर तन और एक मजबूत हृदय बनाने के लिए भेजी थी। हाँ, ऐसा भी नहीं है मेरे बच्चों कि मैंने वो परेशानियां तुम्हारे पास जन्म जन्म के लिए भेजती हूँ। मैंने वो परेशानियां कुछ समय के लिए भेजी हैं आपके पास, वो अवश्य ही नष्ट होने वाली है मेरे बच्चों, अवश्य ही नष्ट हो जाएंगी। आज नहीं तो कल वो परेशानियां, आज नहीं तो कल जिन परेशानियों ने तुम्हारे सर पर तुम्हारे चारों तरफ अपना एक डेरा डाल रखा है मेरे बच्चों, वही परेशानियां अब कुछ ही समय में मेरे बच्चों अपना डेरा उठाने वाली हैं, वो तुम्हारे सर से उठने वाली हैं, और एक दो दिन के लिए नहीं मेरे बच्चों, वो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास से जाने वाली हैं। तुम्हारी जिंदगी का सूरज अब उगने ही वाला है मेरे बच्चों, जिस प्रकार तुमने अभी तक धैर्य रखा है मेरे बच्चों, उसी प्रकार थोड़ा सा धैर्य और रख लो। मैं वचन देता हूं तुम्हें मेरे बाल बच्चों, मैं तुम्हें अवश्य ही इन परेशानियों से उभार दूंगा, मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास मिलने मेरे बच्चों, मैं आज ही आ रहा हूं तुम्हारे पास मिलने मेरे बच्चों। मैं तुमसे, तुम मुझसे गुस्सा हो गए हो ना, तुम मुझसे नाराज हो गए हो मेरे बच्चों, मैं तुम्हें मनाने आ रहा हूँ मेरे बच्चों। जिस इच्छा की वजह से, जिस मन्नत की वजह से तुम मेरे से आज गुस्सा हो गए हो, जिस मन्नत की वजह से तुम मेरे से विश्वास हटाते जा रहे हो मेरे बच्चों, मैंने ऐसी कौन सी खता की थी तुम्हारे साथ, एक इच्छा ही तो पूर्ण नहीं की थी तुम्हारी, तुमने थोड़ा सा धन दौलत एक इच्छा रखी थी मेरे सामने, मैं उसको पूर्ण नहीं कर सका मेरे बच्चों। मैं तो सिर्फ यही सोचकर उस इच्छा को पूर्ण नहीं कर सका मेरे बच्चों कि ये तुम्हारे लिए उचित और सही नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी को उभरने नहीं देगी। पैसा धन दौलत तो तुम इस इच्छा को पूर्ण होने से कमा सकते हो, परंतु मेरे बच्चों तुम मुझसे दूर हो जाओगे इस इच्छा से। अब ये मत सोचना तुम मेरे बच्चों कि बाबा इस इच्छा से हम तुमसे दूर कैसे हो जाते। मेरे बच्चों, जितना मैं सोचना जानता हूँ तुम कभी नहीं सोच सकते, बस एक छोटा सा अंदाजा लगा लो, साईं तुम्हारा तुम्हारे साथ कभी अन्याय नहीं करेगा, कभी गलत नहीं करेगा। इसलिए मेरे बच्चों, मैं आज तुम्हें मनाने आ रहा हूँ मेरे बच्चों, तुम 2 मिनट के लिए ही बैठना, लेकिन मेरे पास जरूर बैठना आज, मुझसे बातें करना, मेरी प्रतिमा के सामने आके मेरी नज़रों में नजरें डाल के मुझसे बातें करना, मैं भी तुमसे बातें करना चाहता हूँ मेरे बच्चों। जिस प्रकार तुम मुझे हर रोज रिझाना चाहते थे ना, आज मैं तुम्हें रिझाना चाहता हूँ मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें रिझाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूर्ण कर दूंगा मेरे बच्चों, पर मेरे से दूर मत जाओ, मेरे से कभी दूर मत जाना तुम।
तुमसे ही तो मेरा सब कुछ है मेरे बच्चों। जिस प्रकार मुझसे तुम्हारी दुनिया है, उसी प्रकार मेरे बच्चों तुमसे भी मेरी दुनिया है। तुम ही मेरी दुनिया के सहनसाह हो, जिस प्रकार तुम मुझे अपनी जिंदगी का सहनसाह समझते हो ना, उसी प्रकार तुम भी मेरी जिंदगी के सहनसाह हो मेरे बच्चों। इसलिए मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें रिझाने आ रहा हूँ। आज तुम मेरी प्रतिमा के सामने दो पल दो मिनट बैठ के, या उससे कम दो पल या दो मिनट, या उससे कम या उससे ज़्यादा बैठकर तुम मेरे बच्चों मुझसे बात जरूर करना और मुझे फिर बताना मेरे बच्चों। मुझसे बोलना कि बाबा, मेरी माँ, मेरे भाई, जो भी तुम मुझसे जो रिश्ता रखते हो, उसी रिश्ते के अनुसार मुझसे तुम बोलना मेरे बच्चों की हाँ, हमें फिर भी अपनी इच्छा पूर्ण करानी है। और करोगे तुम बाबा, हमारी इच्छा पूर्ण कर दो, हमें कुछ नहीं पता। अगर तुम हमसे दूरी बना लोगे, हम तुमसे दूर हो जाएंगे, हमसे तुम अपनी भक्ति ले लोगे, तो हमें कोई परेशानी नहीं है। परंतु ये इच्छा हमारी पूर्ण कर दो, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा मेरे बच्चों। तुम्हारी इच्छा को पूर्ण तो कर दूंगा मैं मेरे बच्चों, परंतु जिस भाव से मैंने तुम्हें आज अपनी भक्ति दे रखी है, उस भक्ति को मैं दूर नहीं करूंगा, परंतु उस इच्छा के कारण वो भक्ति तुम्हारी खुद पे खुद दूर हो जाएगी मेरे बच्चों तुमसे। और यही उस इच्छा ना पूर्ण होने का कारण है मेरे बच्चों। मुझे पता है आज ये इच्छा तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ठीक नहीं थी मेरे बच्चों, इसलिए मैंने पूर्ण नहीं थी, इसलिए मैंने पूर्ण नहीं की मेरे बच्चों। और ऐसा नहीं है मेरे बच्चों की उस इच्छा को, इस इच्छा को पूर्ण करने में मैं सक्षम नहीं था। ये वास्तविकता है मेरे बच्चों, ये एक सत्य है, मैं अवश्य ही उस इच्छा को पूर्ण करने में सक्षम था, हूँ और रहूँगा। तुम्हारी ऐसी कोई इच्छा नहीं है मेरे बच्चों जिसे मैं पूर्ण नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे सोचने से पहले तुम्हारी इच्छा को पूर्ण कर सकता हूँ मेरे बच्चों, पर मैं अपनी भक्ति का कोई तुमसे वादा नहीं कर सकता। फिर मेरी भक्ति तुम्हारे पास रहे या ना रहे, ऐसा कोई तुमसे वादा नहीं कर सकता मैं। हाँ, अगर तुम मेरे चलाने पर चलोगे और मुझसे आके जब मुझसे बातें करोगे और मुझसे कहोगे कि बाबा आपकी मर्जी है, आप कर दो इच्छा पूर्ण अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो मत करो देवा, परंतु हमसे दूर मत जाओ, तो मुझे अवश्य ही तुम्हारे ऊपर गर्व होगा मेरे बच्चों। मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा दास और तुम्हारा ऋणी हो जाऊंगा मैं मेरे बच्चों। ये साईं फकीर, ये शिरडी वाला फकीर, एक बार जिसको वचन दे देता है अपना, इसकी एक खास बात है मेरे बच्चों, इसके वचन कभी असत्य नहीं होते। ऐसे ही ये दुनिया इस फकीर की दीवानी नहीं है मेरे बच्चों। कुछ ना कुछ तो होगा, तभी तो ये दुनिया दीवानी हुई है। ये दुनिया में अनेक प्रकार के लोग हैं और अनेक प्रकार की सोच और भावनाएं रखने वाले हैं। किसी की सोच कैसी होती है मेरे बच्चों, किसी की सोच कैसी होती है, और फिर भी अलग अलग सोच वाले, भिन्न भिन्न सोच वाले मनुष्य आज मेरे दीवाने हो चुके हैं, तो कुछ तो बात होगी ना मेरे बच्चों। और मैं किसकी कहूँ, किसको तो मैं गिनाऊँ, क्या तुम मेरे दीवाने नहीं हो? चाहे तुम किसी भी स्वरूप में हो या चाहे तुम किसी भी रूप में मेरी भक्ति करो, परंतु मेरे दीवाने तो हो ना तुम। मैंने खुद तुम्हें अपने हाथों से, अपनी सोच से, अपनी इच्छा से तुम्हें दीवाना बनाया है। मैं हर पल हर दिन मेरे बच्चों अपने आप से
किसी ना किसी को जोड़ता रहता हूँ मेरे बच्चों, किसी को अपने से जोड़ने के लिए कितने भाव देता हूँ तो किसी को कितने भाव देता हूँ मैं हर पल किसी ना किसी को अपने आप से जोड़ता रहता हूँ, किसी को उसकी इच्छाएं पूर्ण करके जोड़ता हूँ तो किसी को उसकी इच्छाएं अपूर्ण करके जोड़ता हूँ, किसी को जोड़ने के लिए उसकी इच्छाएं पूर्ण कर देता हूँ मैं। जिन भक्तों पर मुझे विश्वास नहीं होता मेरे बच्चों की, ये मेरे पास अगर इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो रहेगा, तो मैं ऐसे भक्तों की इच्छाएं जल्दी ही पूर्ण कर देता हूँ और इनको इच्छाएं पूर्ण करके अपनी शरण में रखता हूँ मैं मेरे बच्चों। जिन भक्तों पर मुझे विश्वास होता है, जिन भक्तों पर मुझे गर्व होता है मेरे बच्चों कि हाँ अगर इसकी इच्छा पूर्ण भी नहीं की मैंने तो भी ये मेरा है, और इच्छा पूर्ण कर दी मैंने तो भी ये मेरा है, और इच्छा पूर्ण नहीं की तो भी ये मेरा है, ऐसे भक्तों को मैं अपनी मर्जी से चलाता हूँ और अपनी ही मर्जी से उनकी इच्छाएं पूर्ण करता हूँ। और ये सच है मेरे बच्चों, ऐसे भक्तों को मैं कभी जिंदगी में किसी के सामने झुकने पर मजबूर नहीं करता मेरे बच्चों। हर पल उसे ऊंचाइयों तक ले जाने की कोशिश करता रहता हूँ मैं। हर पल किसी ना किसी ऐसे भक्त को ऊंचाइयों तक ले जाता रहता हूँ और उसके नाम की इस जगत में चर्चा कराता रहता हूँ मैं, उसके नाम की जय जयकार करा देता हूँ। जय जयकार के साथ मेरे बच्चों मैं उसे अपना एक सच्चा पाक और पवित्र भक्त भी बना लेता हूँ, मैं उसे अपना दास बना लेता हूँ और उससे अपनी भक्ति कराता रहता हूँ मैं। ऐसे ही भक्त को मैं अपनी शरण में रखता हूँ, जिस भक्त को मुझसे मतलब है, ना कि उसे अपनी इच्छा से मतलब, जिसको मुझसे मतलब है ऐसे भक्त की इच्छा मैं पूर्ण करता हूँ मेरे बच्चों। ऐसे भक्त की बाद में इच्छा जरूर पूर्ण करता हूँ, लेकिन उस दौरान मैं ऐसे भक्त की इच्छा पूर्ण नहीं करता जिस दौरान वो मेरी भक्ति करने लगा हो या भक्ति करते करते उसे कुछ समय हो गया हो, और भक्ति करते करते उसकी सेवा देखते देखते अपने लिए मुझे उस पर गर्व और विश्वास हो गया हो कि ये मेरा हो चुका है, अब ये कभी भी कहीं नहीं जाएगा, ये कभी अब राह से नहीं भटकेगा, इसका मन कभी नहीं डगमगाएगा, ऐसे भक्त की मैं सारी ही इच्छाएं फिर पूर्ण कर देता हूँ मैं। उसकी कुछ परीक्षाएं अवश्य लेता हूँ मैं मेरे बच्चों, कुछ परीक्षाएं लेने के बाद उसे भव से तार देता हूँ। जिन भक्तों पर मुझे विश्वास नहीं होता उनकी इच्छाएं तो मैं पूर्ण कर देता हूँ मेरे बच्चों, परंतु भव से पार होने में, वो अपने आप को भव से पार ले जाने में वो सक्षम नहीं होते और ना ही मेरे को सक्षम होने देते हैं। वो सिर्फ अपनी इच्छा से मतलब रखते हैं, वो सिर्फ यही चाहते हैं हमें ईश्वर का नाम मिले या ना मिले, हमें कुछ मिले या ना मिले, परंतु हमारी इच्छा पूर्ण हो जाए और हमें इस जिंदगी में खुशी मिल जाए। कल का कुछ नहीं पता, परंतु आज हमें सारी खुशियां मिल जाएं, वो सिर्फ यही सोचता है। जो मैं तुम्हें यही बार बार समझाना चाहता हूँ, यही तुमसे कहना चाहता हूँ मेरे बच्चों कि इच्छा को लेके मेरी शरण में मत रहो, इच्छा तो पूर्ण मैं तुम्हारी अवश्य कर दूंगा, अगर तुम इच्छा को लेके मेरी शरण में नहीं रहोगे परंतु मेरी भक्ति की राह से भटक जाओगे, मैं भटका दूंगा तुम्हें अपनी भक्ति की राह से। इसलिए मेरे बच्चों मेरी शरण में रहो, श्रद्धा भाव और लगन से रहो, अपने मन दिल और दिमाग को स्थिर रखो, कोई भी किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, मैं तुम्हें अवश्य ही हर चिंता से मुक्त कर दूंगा मेरे बच्चों, मैं तुम्हें अवश्य ही हर प्रकार की चिंता से मुक्त कर दूंगा, बस तुम श्रद्धा भाव से मेरी शरण रहो। तुम सिर्फ यही सोचो बाबा
हमें तुम्हारी भक्ति और कैसे मिले, हमें तुम्हारी भक्ति में ही घुल मिल जाना है, हमें तुम्हारी शरण रहना है। तो मैं अवश्य ही तुम्हारा भला करूँगा और तुम्हें भक्ति भी दूंगा, अगर तुम्हारी नियत ऐसी रही कि आज इसका बुरा हो जाए, कल उसका बुरा हो जाए, आज इसका सारा खजाना मेरा हो जाए, कल उसका सारा खजाना मेरा हो जाए। तो मेरे बच्चों, तुम्हारी नियत ऐसी भले ही रहेगी लेकिन तुम्हारे सोचने से ऐसा नहीं होगा, और अगर होगा भी मेरे बच्चों, तो वो चीज़ तुम्हारे किसी लायक नहीं होगी। सिर्फ इतना होगा मेरे बच्चों, उस चीज़ का तुम भले ही फायदा उठा लो, परंतु मुझसे दूर हो जाओगे तुम हमेशा हमेशा के लिए। इसलिए मेरे बच्चों, मेरी शरण रहो, सब अच्छा होगा। अपने से सामने वाले का भला सोचो, कभी किसी का बुरा मत सोचो, तुम्हें अवश्य ही एक अच्छे फल की प्राप्ति होगी मेरे बच्चों, अवश्य ही तुम्हें एक अच्छे फल की प्राप्ति होगी, और उस फल के साथ साथ तुम्हें मेरे दर्शन की भी प्राप्ति होगी मेरे बच्चों। मेरा मानना यही है मेरे बच्चों कि तुम मेरी शरण आ जाओ, सब अच्छा होगा। श्रद्धा भाव से मेरी शरण रहो, जो भक्त मेरी शरण हैं अभी वो मेरी शरण ही रहें, मेरी शरण तजने का विचार भी ना लाएं, क्योंकि मैं उन्हें अपनी इच्छा से लेके आया हूँ और अपनी इच्छा से ही जाने दूंगा। मेरी इच्छा हुई तभी मैं भेजूंगा, अन्यथा वो लाख जतन क्यों ना कर ले, वो कभी नहीं जा पाएंगे। मैं तो बस विचार देखता हूँ मेरे बच्चों के, किसके विचार कैसे हैं, इसके विचार मेरे से दूर जाने के हैं या नहीं। उसके विचार जाने वाले हों तो भी मैं उसे अपनी मर्जी से ही भेजता हूँ, और उसके विचार जाने वाले नहीं हों मेरी शरण से तो भी मैं उसे अपनी मर्जी से ही भेजता हूँ। मेरी ही मर्जी चलती है मेरे बच्चों, तुम्हारी तो औकात क्या, मेरी इस जहाँ पर मर्जी चलती है। ये ब्रह्मांड मेरा है और यहाँ मेरी ही मर्जी चलती रहेगी। इस विचार को निकाल दो अपने दिल और दिमाग से कि इस जहाँ में मैं कुछ हूँ। तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारी तिल मात्र भी औकात नहीं है मेरे बच्चों। तुम एक मिट्टी के पुतले हो, तुम्हें जब चाहूँ तब मिटा सकता हूँ मैं, तुम्हें जब चाहूँ तब बना सकता हूँ मैं, तुम्हें जब चाहूँ तब मिटा सकता हूँ मैं। इसलिए मेरी शरण रहो। ये शरीर नाशवान है, एक दिन हमारा नाश कर देगा ये, अपना नाश करके ये खुद तो चला जाएगा, परंतु हमें यानी हमारी आत्माओं को, हमें यानी हमारी आत्माओं को ये किसी लायक नहीं छोड़ेगा मेरे बच्चों। इसलिए मेरी शरण आ जाओ, सब अच्छा होगा। अगर आपको हमारे बाबा के वचन अच्छे लगे हो, बाबा ने आपको एक सही राह दिखाया हो, तो हमेशा बाबा की भक्ति करते रहें, बाबा आपको सतमार्ग की ओर हर पल प्रेरित करते रहेंगे। ओम साई राम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम साई राम।